हेलो गाइस, नए व्लॉग के साथ आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और मेरे व्लॉग में आज आप देखेंगे अजमेर का, अजमेर की दरगाह। और हम लोग आए हुए हैं अजमेर, तो आपको दिखाऊंगा मैं अजमेर की पूरी दरगाह। वन द शूट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, पर जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो गाइस, अभी हम लोग हो चुके हैं पूरे रेडी और हम होटल से निकलने वाले हैं दरगाह के लिए। और हम थोड़ा बहुत नाश्ता माश्ता करेंगे और निकल पड़ेंगे दरगाह के लिए। तो चलिए गाइस, आपको भी दिखाते हैं हम दरगाह। और ये देखिए आप लोग, अजमेर की प्यारी प्यारी गलियां। यहाँ पर देखिए कितने कलरफुल से कपड़े ऐसा मिल रहे हैं राजस्थान के। यही बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि यहाँ पर बहुत कलरफुल चीज़ें मिलती हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह की तरफ। तो हम पहुँच गए हैं दरगाह, और दरगाह के जस्ट बाहर गेट पे, हम गेट नंबर शायद 4 से अंदर घुसे थे। और यहाँ पर बाहर आपको शूज़ मूज़ रखना पड़ते हैं। यहाँ पर आप रखवा सकते हैं, एक आदमी बैठा रहता है उसको पैसे देकर आप शूज़ रखवा सकते हैं अपने, और अंदर आप नंगे पैर ही जाएंगे दरगाह के। अच्छी खासी भीड़ दिख रही है आज दरगाह में। और वहाँ सामने की तरफ देग है, और मैं आपको देग भी दिखाऊंगा बाद में। अभी हम लोग पहले चलते हैं दरगाह की तरफ, यहाँ से फूल मूल ले लेते हैं। ये कितने खूबसूरत फूल रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग एक फूल लेते हैं और फिर चलते हैं दरगाह के अंदर। तो ये देखिए, ये है दरगाह के अंदर का व्यू। पर मैं ज़्यादा यहाँ शूट नहीं कर सकते, यहाँ शूट करना मना है। तो जितना हो सका मैंने शूट कर लिया थोड़ा सा। ये जो ऊपर आपको दिख रही है वाइट वाइट बिल्डिंग, ये है तारागढ़ पहाड़ के ऊपर वाली दरगाह। ये तारागढ़ पहाड़ चढ़ना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। अब तारागढ़ जाने तक का तो हमारे पास टाइम नहीं है, कभी फिर आएंगे अजमेर तो ज़रूर जाएंगे तारागढ़। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ कवाली, जो यहाँ पर दरगाह के बाहर चलती रहती है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी बहुत उसकी झलक कवाली। वो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी चादर है, ये स्पेशल बनवा के लेके आए हैं घर से चढ़ाने के लिए यहाँ पर चादर। तो ये लोग देखिए अंदर लेके जा रहे हैं बहुत बड़ी सारी चादर। तो ये देखिए आप, यहाँ सामने वो गेट टाइप का जो आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर जन्नत का दरवाज़ा बोलते हैं। ये जो गेट है सामने की तरफ, ये जन्नत का दरवाज़ा बोलते हैं इसे। अभी कभी ये खुलता भी है मुझे उसका टाइम वाइम तो नहीं पता, पर ये इतना पता है कि इस गेट को जन्नत का दरवाज़ा बोलते हैं। ये है दरगाह का वज़ू खाना, यहाँ पर सब लोग वज़ू करते हैं नमाज इन सब के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत सा वज़ू खाना बना है, इसमें बीच में फाउंटेन भी लगा हुआ है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर देग की तरफ। ये ऊपर जो देग बनी हुई है बड़ी सारी कढ़ाई टाइप की, इसके अंदर बनता है बहुत सारा खाना, मतलब लंगर टाइप का खाना बनता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो भी आता है वो पैसे डाल के खाना कुछ ना कुछ डाल के जाता है, गेहूँ ये सब। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखेगा तो इसमें बहुत सारा सामान पड़ा होगा, इसमें इस सारे सामान से ये खाना बनता है यहाँ पर इस देग के अंदर। यहाँ पर 2 या 3 देग हैं, मैं आपको जितनी होगी दिखाऊँगा। ये सबसे बड़ी वाली देग है। और ये इसके नीचे जो ये भट्टी का नीचे का हिस्सा, ये नीचे भट्टी है, यहाँ पर लकड़ी मकड़ी डालते हैं, इससे खाना बनता है ऊपर। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। वो दूसरी सामने जो दिख रही है, मैं दूसरी छोटी वाली देखेगा, अपन उसकी तरफ चलते हैं छोटी देख देखने। अब बंगाली
तो ये है छोटी डेग, जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, पैसे ऐसा पड़े हुए हैं। ये छोटी डेग है और वो पहले वाली बड़ी डेग थी। अब इसमें ना यहाँ साइड में ना इन्होंने बहुत सारी ना लकड़ी ऐसा पटक रखी है जो जो इसमें नीचे आग लगाने के लिए। तो गाइस ये था हमारा पूरा अजमेर का मतलब दरगाह का पूरा टूर ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जगह जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू और गुड बाय। जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आज भी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद गधों से काम कराया जाता है। क्या आप लोग मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अजीब था, क्या आप लोगों के हिसाब से सही है? नीचे कमेंट करके बताएं मुझे क्या ये सही है या गलत है।